सज्जनों और देवियों, धर्मदास जी से मेरी मित्रता बहुत दिन से है। उन्होंने इलाहाबाद आश्रम में जा करके काफ़ी दिन रहा, काफ़ी दिन पहले, फिर बीच बीच में भी जाते रहे। अब की बार उन्होंने कार्यक्रम का संकल्प लिया और वो सब आप लोगों की श्रद्धा के बल पर, आप लोगों को धन्यवाद है जो इस प्रकार श्रद्धा भाव वाले हैं और उनको उत्साह हुआ निमंत्रित करने के लिए हम लोगों को। सत्संग की आवश्यकता क्या है? सत्संग से कोई आर्थिक लाभ तो आपको नहीं होता है। आर्थिक लाभ जीवन का सबसे बड़ा लाभ नहीं, आर्थिक लाभ की भी जरूरत है। अर्थ चाहिए, अर्थ यानी धन, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए वही उपयोगी है। लेकिन शरीर की रक्षा करके क्या करना है? कमाते किस लिए? खाने के लिए। खाते किस लिए? जीने के लिए। जीते किस लिए हैं इसका पता नहीं। जिए किस लिए, इस बात को समझने के लिए सत्संग है। जीते हैं लोग, दो चार बाल बच्चे पैदा कर लिए, कुछ कमाए, खाए, खिलाए, लड़े झगड़े, हर शोक में डूबे, जीवन व्यतीत होता चला गया और मर गए। जानवर ये सब काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनका खाना इतना सरल है कि उनको कमाना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आहार खोज लेते हैं। पक्के भवन में लाखों चींटियां मिलती और वो कहाँ से अपना खाना ले लेती हैं, अद्भुत है। मच्छर, ये मच्छर सब मनुष्य के रक्त तो थोड़े चूस पाते हैं। आप लोग भी चतुर हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, और कुछ कर लेते हैं, धुआं करके भगा देते हैं, लेकिन अरबों अरबों मच्छर जी रहे। पक्षी, अन्य जानवर, बनेले जानवर सब खाते हैं। आदमी खाने ही के लिए मर पच जाता है उसी में, और इन सब का खाना पीना बहुत सरल है, उनका प्रजनन भी सरल है, बाल बच्चों को निभाना भी सरल है। जानवरों में पिता का पता नहीं होता, माता का पता होता, लेकिन माता भी बहुत जल्दी छुट्टी ले लेती है। मादा पक्षी अंडे देती है और चार छः दिन में ही वो फूट जाता है, चार छः दिन में वो बच्चा उड़ने लगता है, और कुल 10-15 दिन में उनकी गृहस्थी का काम, बाल बच्चों का पूरा हो जाता है। बच्चा उड़ गया, मादा से कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे के बच्चे होंगे तब भी चिंतित हैं कि कैसे चलेगा घर। आपका जवान लड़का कमाता है लेकिन आप चिंतित हैं कि कैसे चलेगा। अभी जहां मैं पीछे था, एक सज्जन ने कहा, महाराज हम चार भाई हैं और सब धनी हैं, 85 वर्ष की माँ है, वो हरदम चिंता करती है कि बच्चों को कैसे चलेगा। ये मानस रोग मनुष्य में भयंकर है। काम भोग में जानवर मतवाले नहीं, अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। गाय बैल एक साथ घूमेंगे, चरेंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं। गाय जब गर्भाधान कराना चाहेगी तब बैल उसको गर्भाधान देगा, नहीं तो नहीं। साथ साथ चरते हैं लेकिन विकार रहित है। भय उनमें, डंडा उठाओ तो जानवर भागेंगे कि मारेंगे हमें, इसके अलावा कोई भय नहीं। कल के खाने के लिए तो चिंता ही नहीं। अब आप जमा किए हैं, कितनों के बैंक बैलेंस भी हैं, नियमित आमदनी है, लेकिन चिंता है कि कल क्या होगा।
और इतना ही नहीं चिंता है, भूत प्रेत का भय है आपको। रात में कहीं चले तो भूत पकड़ता है, जानवर को भूत नहीं पकड़ता है। वो शमशान में रहते हैं, शमशान में सोते हैं, कोई भूत प्रेत की चिंता नहीं। कब्रों में चींटियां, छिपकलियां, सांप सब रहते हैं, प्रेत उनको उनका कुछ नहीं करते हैं। और आप 3.5 हाथ का शरीर लिए डरते रहते हैं, चींटियां कोई डर नहीं, उसी शमशान में ही नहीं कब्रों में रेंगती रहती है, रात में दिन में प्रेत उनको कुछ नहीं करते, क्योंकि प्रेत का उनको भ्रम नहीं, आपको भ्रम है, प्रेत है ही नहीं। लेकिन मनुष्य भयभीत है, यहाँ तक भयभीत है, घर छोड़ के चलता है, कहीं जा रहा है, कोई छींक दिया तो घबरा जाता है, कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो घबरा जाता है, काना ब्राह्मण विधवा स्त्री मिल गई तो घबरा जाता है, धोबी मिले तो कहते हैं प्रसन्न होता हो शुभ है, और तेली मिले तो नुकसान है, और सब रोज तेल खाते हो तेल लगाते हो नुकसान नहीं होता है। अगर तेल पैदा करना गलत है तो तेल खाना गलत है, तेली गलत है क्योंकि तेल पैदा करता है, तो तेल खाने वाले भी गलत हैं। जैसे कि बकर कसा है, बकरा काटता है तो गलत है, और मांस खाने वाले अच्छे हैं, मांस खाने वाले मांस ना खाए तो बकरा कैसे कोई काटेगा। बकर कसा गलत है तो मांस खाना भी गलत है, अगर तेली गलत है तो तेल खाना गलत है। और तेल रोज सब खाते हैं और सब लगाते हैं और तेली को बदनाम करते हैं, कहते तेली देख करके अशुभ हो जाता है, ये सब मिथ्या भ्रम। अंग फड़कने से शुभाशुभ की कल्पना, दिशाशूल आपको लगता है, ये सारी भ्रांतियां आदमी को घेरे हैं। जानवर उतना पीड़ित नहीं है जितना आदमी पीड़ित है। मोह ममता जानवरों में बहुत कम है, आदमी में ज्यादा। काम वासना वैसे, भय वैसे, धंधा वैसे, हर बात में आदमी ज्यादा पीड़ित है। मानसिक उलझन से कोई जानवर आज तक पागल नहीं हुआ है, आदमी पागल होता है। कुत्ता पागल होता है जब उसकी खोपड़ी में कीड़े लग जाते हैं, हाथी पागल होता है जब वो उस पर मद चढ़ जाता है। दोनों भौतिक हैं, मानसिक नहीं। मन के उद्वेग से केवल मनुष्य पागल होता है, और जो मनुष्य पागल है वो तो कम है, बाकी भी सब के सब पागल हैं। एक आदमी अगर ये कहता हो कि मैं वैकुंठ धाम में हूँ, वो 70 वर्ष का, और कहता है कि मैं 22 वर्ष का जवान हूँ, तो आप कहेंगे पागल है। अब अंदर अंदर ऐसा चलता है, बूढ़ा सोचता मैं जवान हूँ, साइकिल पर चलता है और मन में कल्पना करता मैं हेलीकॉप्टर में बैठा उड़ा जा रहा हूँ, झोपड़ी है और कल्पना करता है कि हम भवन में हैं, तो पागलपन नहीं है क्या। यही अगर वो कहने लगे तो सब कहेंगे पागल है, कहता नहीं, अंदर अंदर चलता है। तो आदमी तो वैसे पागल है, जानवर ऐसा पागल नहीं। जानवर झोपड़ी में खड़ा हो तो कभी नहीं सोचेगा कि मैं महल में हूँ, बूढ़ा बैल कभी नहीं सोचेगा मैं बछड़ा हूँ, ये आदमी सोचेगा। आदमी पागल है, खुला पागल है और भीतर भीतर पागल है। खुला पागल भी यही होता है और भीतर भीतर पागल तो सबके सब है। इस पागलपन को घटाना, सत्संग बताता है इस पागलपन को घटाओ, एकदम तो छोड़ नहीं मिलेगा तुरंत कि सारा पागलपन खत्म हो जाए, धीरे धीरे होगा। किसी दिशा में उन्नत जो देखी जाती है किसी की, वो एक दिन का फल नहीं, लंबे दरमियान में ऐसा होता है। समझ में पहले आए, काम शुरू करें तो हो जाएगा। ये स्वीकारना कि हम पागल हैं, हमारा पागलपन घटना चाहिए, और फिर विचार करें और चिंतन करें तो घटेगा।
बाल उजले हो गए हैं, काले की कल्पना है, इसलिए कुछ लोग दवाई लगा करके काला भी करते हैं। ये पागलपन है। आदमी अत्यंत उलझा हुआ है, इस उलझाव के कारण वह मानसिक रोग से पीड़ित है। मन में हरदम भय, क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, यही नरक सब के मन में बहता रहता है। ये नरक सूख जाए, अमृत की धारा अंदर में बहने लगे, ये सत्संग बताता है। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जीत लखो आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं बंदे तू अपने आप का निबेरा कर ले, बंदे कर ले आप निबेरा। आप निबेरा यानी स्वयं का छुटकारा, निबेरा कहते हैं खोलने को, सरल करने को। जैसे रस्सी उलझ गई हो तो उसको सरल करके सीधी कर ली जाए, ये निबेरा है। आपस में कोई विवाद हो गया हो तो बैठ करके समझ लिया जाए कि भाई विवाद ठीक नहीं, ये निबेरा करना है। विवाद जितना होता है उसके मूल में केवल अहंकार होता है, केवल अहंकार। वस्तुओं का भी चक्कर होता है, उसमें भी अहंकार ही ज़्यादा होता है। जमीन की लड़ाई प्रायः मेड़ की होती है या थोड़ी होती है, पूरी संपत्ति के लिए लड़ाई बहुत कम होती है। पूरी किसी की संपत्ति कोई लेने को तैयार हो ऐसा कहीं कहीं होगा, 99% से भी अधिक संपत्ति के लिए लड़ाई जो होती है वो थोड़ी चीज़ों के लिए लेकर होती है। मेड़ है या घर के पास है जमीन, एक फिट आधा फिट को लेकर के, ऐसे ही और बातों में थोड़ी बातों को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं। और उसमें मूल अहंकार रहता है, बात का बतंगड़, और ये आदमी ही करता है, जानवर नहीं करता। जानवर सात जीवन जीता, हमें आदमी का जीवन मिला है जो कल्याणकारी है, लेकिन आदमियत नहीं है, इसलिए दुखी है। मन का नरक सब भोग रहे हैं। मन का नरक है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, दूसरे के दोषों को लेकर के मन उद्वेगित रहना, हानि लाभ को लेकर के मन उद्वेगित रहना, शरीर स्वास्थ्य परिजन पुरजन अनेक बातों को लेकर के मन उद्वेगित रहना, ये मन का नरक है। अच्छी समझ से ही ये नरक खत्म होगा। विनम्रता निष्कामता सब में मूल है, सारे सद्गुणों में। आदमी जितना विनम्र होगा और निष्काम होगा उतना सुलझता जाएगा। कौरव पांडव की लड़ाई में अहंकार और कामना ही रहा। दुर्योधन को चाहिए था कि शर्त पूरी हो गई है, पांडवों को उनका राज्य दे दे। पूरा राज तो मांगते नहीं थे, अपना राज मांगते थे। कोई सुलझाव नहीं, सुई की अग्र बराबर जमीन नहीं दे सकते बिना युद्ध के, अहंकार के सिवा क्या। पांडव समझ लेते ठीक है भाई राज कर रहे हैं, कर, ऐसी बात नहीं है कि हमें खाने पीने नहीं मिलेगा, संतोष कर लेते। वो भी लड़ गए। कहीं भी लड़ाई होती है अहंकार के कारण होती है। जो आपस में विवाद होता है उसमें भी अहंकार, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारी उपेक्षा की, वे उनको कह रहे हैं उनको कह रहे हैं, अहंकार लड़ रहा है। ये मान लिया जाए कि मेरा दोष है, बस आग बुझ जाए। अपना दोष मान लेने वाला ऊपर हो जाता है,
लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है। जब हम तराजू में माल रख करके तौलते हैं, जिधर डाणी झुक जाती है उधर का माल वजनदार और कीमती माना जाता है, झुकने वाला कीमती हो जाता है। लेकिन ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल, अहंकार के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। मन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसी मन को ठीक कर लेना मनुष्यता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से मनुष्य है। जानवरों में मनन नहीं है, वे क्रिया करते हैं, याद कर लेते हैं, अपने बिल की याद, घोंसले की याद, खूंटी की याद जानवर कर लेते हैं। गाय चरने जाती है, शाम को लौटती है तो अपने खूंटे पर आकर के खड़ी हो जाती है, अपने खूंटे की उसे याद है। लेकिन मनन नहीं है, मनन का अर्थ है विवेक करना। जैसे गाय को चारा दिया गया, चारा खाई और पेट भर गया, तो जो चारा बाकी है उसी पर बैठ जाएगी, टट्टी कर देगी, पेशाब कर देगी, ये नहीं सोचेगी कि इसको बचा के रखे कल खाएंगे, उसमें मनन नहीं है। मनन नहीं है इसलिए परेशानी भी नहीं है, इसलिए व्यवस्था भी नहीं है। मनुष्य में मनन है इसलिए व्यवस्था है और परेशानी है। सत्संग बताता है व्यवस्था तो करो लेकिन परेशानी वाला काम न करो। हम लोग मनुष्य हैं तो जानवर की तरह नंगे नहीं रहेंगे, घर मकान भी होगा, कल के लिए प्रबंध करना कोई बुरा नहीं, संग्रह बुरा नहीं है। संग्रह का उचित खर्च होते रहना चाहिए, संग्रह के लिए संग्रह ना हो, और ऐसा संग्रह ना हो जिसमें कलह पैदा हो। जब से आदमी होश में आता है तब से उसे काम करना होता है, खाना पीना तो जन्म से ही होता है, संबंधित व्यक्ति होते हैं उनमें मोह ममता शुरू होती है, काम वासना शरीर में जगती है, काम में भंग पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जहाँ कामना पूरी नहीं हुई क्रोध जग जाता है, सबके मन में अहंकार है, अहंकार में ठेस लगती है तुरंत क्रोध भभक पड़ता है, ये सब मानस रोग शुरू होता है। और इसमें समझ न होने से ये मानस रोग बढ़ता जाता है और आदमी पीड़ित होता चला जाता है। ये मानस रोग जानवरों में नहीं बढ़ता है। मैंने बीच में कहा था कि काम वासना के नाम पर वे संवेदनशील नहीं है, प्राकृतिक है, गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं बस। खाने में भी मिर्च मसाला उन्हें नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, छोंक बघार नहीं चाहिए, पकाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पशु चरते हैं, घास खाते हैं, सहज जीवन उनका है, तो उनकी सहजता अपनी विशेषता रखती है। उनका मन सरल होता है, आदमी ऐसा नहीं, उसका मन जटिल है, अनेक संस्कारों का पुंज है, वह कल्याण का काम कर सकता है लेकिन कल्याण का काम नहीं कर पाता, अकल्याण करता है। जानवर कल्याण का काम नहीं कर सकते, जो स्वाभाविक ढंग से जैसा है वैसा है, आगे उनको बोध नहीं हो सकता है। आदमी को बोध हो सकता है लेकिन आदमी उलझा हुआ है। तेज घोड़ा आपको मिले, अब आप उसको चलाना न जाने तो उठा के पटकेगा, हाथ पैर तोड़ेगा। मानव शरीर तेज घोड़ा है, ये हम लोगों को मिला हुआ है, इसको चलाना नहीं जानते हैं, इसलिए सब इसके द्वारा पटके जा रहे हैं, सब रोते हैं, इंसान रोता है, जानवर नहीं रोता है। इंसान तो जन्मते ही रोने लगता है, मनुष्य का बच्चा अगर जन्मते न रोए तो अशुभ माना जाता है, कुछ गड़बड़ है।
मनुष्य का बच्चा जन्मा और रोना शुरू हुआ और मानो उसने घोषणा कर दी कि अब मुझे जीवन भर रोना है। और हर आदमी जीवन भर रोता है। रोना क्या है? शिकायत, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, देवरान जेठान की शिकायत, सास की शिकायत, बहू की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत रोना है। रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। जो करना चाहिए नहीं कर पाया, जो भोगना चाहिए नहीं भोग पाया, बीच ही में सब छिन गया, पछताते पछताते मरता है। इसलिए उसका जीवन बहुत दुखी होता है। इस दुनिया में मनुष्य के समान कोई जानवर दुखी नहीं, अत्यंत दुखी मनुष्य है, लेकिन यही अत्यंत सुखी हो सकता है। सत्संग यही बताता है कि अपने को पहचानो, बंदे कर ले आपने बेरा। आए बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। आप जियत लखो आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने को लख कि तू कौन है। आप जियत लखो, आप ठौर करो और अपनी ठौर बना, अपनी जगह बना। और मुए कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। तीन बातें इसमें साहब कहते हैं। जीवित रहते रहते अपने को समझ लो कि आप कौन है। आप जियत लखो, जीते जीते अपने को लखो कि आप कौन है। और दूसरी बात है, आप ठौर कर, अपनी जगह बनाओ, अपनी स्थित बनाओ, ठहराव बनाओ। और ये भी ध्यान दो कि मर जाने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। मुए कहाँ घर तेरा। पहली बात है कि इस जीवन में अपने को समझो आप कौन है। हर इंसान यही समझता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसका अर्थ होता है कि मैं शरीर हूँ, ये जो इड़ी चुटी तक काया है, यही अपना स्वरूप मानता है। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर तो मिट्टी का लौंदा है। मिट्टी में कहीं चेतना है? मिट्टी पानी आग हवा से मिल करके शरीर बना है। ये सब जड़ है, आप जड़ नहीं है। जड़ उसे कहते हैं जो खुद को न जाने और दूसरे को न जाने। चेतन उसे कहते हैं जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने। आप खुद को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं, लेकिन ये शामियाना ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। ये जमीन अपने और पराए कुछ नहीं जानती। पानी, आग, हवा, ये सब कुछ नहीं है। मकान, जड़ ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। चेतन वह है जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। आप जानने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, स्वतंत्र चेतन है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। ये आप लोगों ने सुना होगा। ये केवल काकुत नहीं है, केवल बतकही नहीं है, वास्तविकता है। आप बचपन में थे, आज भी हैं। एक 80 वर्ष का बूढ़ा 70 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। अगर वो छड़भंगुर होता तो 70 वर्ष पुरानी बातों की याद कैसे करता। वे अस्थाई है वो। जैसे सड़क पर गाड़ियां आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं और एक व्यक्ति स्थिर होकर के उन्हें देखता है तो सबका लेखा जोखा करता है। अगर वो खुद सड़क में चलता हो तो सबकी लेखा जोखा नहीं कर सकता है। स्थिर होकर बैठेगा, वो लेखा जोखा करेगा। इसी प्रकार अगर आत्मा भी बहता हो, क्षणिक हो, तो क्षणिक पदार्थों को जानेगा कौन। जो क्षणिक पदार्थों घटनाओं को जानता है वो स्थिर आत्मा है, वो आप है। या को माय न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। ये जीव के माँ बाप नहीं होते, देह के माँ बाप होते हैं। जीव नित्य है, अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है। इसका स्वरूप कैसा है? ये लाल पीला नहीं है,
इसकी कोई आकृत आँख से दिखने वाली नहीं है। आप कहेंगे जब आँख से दिखती नहीं है चीज़, वो उसके होने में क्या विश्वास है। आप जानते हैं कि वायु दिखता नहीं है और कितने जोरों से चलने लगता है, पेड़ पौधों को उखाड़ देता है, आदमी को ढकेल देता है, लेकिन दिखता नहीं है। न दिखने से उसकी सत्ता ही ना हो, ऐसी बात नहीं। वो आँख से दिखने वाली आकृति उसमें नहीं है, लेकिन वो सबसे जोरदार है। जानने वाला चेतन सबसे जोरदार है। आप ही वो जानने वाले हैं। दिन भर आप कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये नहीं मानूँगा, मैं ये मान लेता हूँ। मैं पर ही तो सब निर्भर है। ये मैं आत्मा, जीव, चेतन, नित्य सत्ता है, वो आप हैं। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, बालक वृद्ध नहीं हैं, काले गोरे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं हैं। ये सब देह के भाव हैं, काल्पनिक हैं। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन आत्मा, ये ज्ञान होना चाहिए। इस भीड़ में आए देह धर करके, एक नट की तरह नाटक है, और रंगमंच पर अपना नाटक करके उतर जाओ। रंगमंच पर नाटक करने वाला नाटकी आता है, बादशाह बन के आता है, चपरासी बन के आता है, साधु बन के आता है, और सब जानते हैं कि मैं सब नहीं हूँ। इसी प्रकार जो कुछ माँ बाप पत्नी भाई बच्चे का नाटक है, सब काल्पनिक है। ये सब समाप्त हो जाएगा। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए देह के सुख दुख को अपना सुख दुख नहीं मानना चाहिए। आत्मा सुख दुख से परे है। देह के सुख दुख का अनुभव आत्मा करता है, लेकिन उसमें लिपायमान होने से वो व्यथित होता है। लिपायमान नहीं होता तो व्यथित नहीं होता है, हानि हो गई। लाभ होता है तो हानि होती है। हानि किस में होती है? लाभ में ही तो हानि होती है। आदमी जब जन्म लेता है तो क्या लेकर के आता है? नंगा रहता है। सब यहीं कमाता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, स्वयं कमाता है, और उसी में कुछ हानि हो जाती है। तो हानि किस में हुई है? जो लाभ हुआ उसी में हानि हुई है, उसकी चिंता क्या? हानि होगी तो भी आप खाने पाएंगे, लाभ होगा तो भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। जिसके पास बहुत धन है तो क्या दो दो कुंतल का भात खाते हैं? ज़्यादा होने से कोई ज़्यादा थोड़े खाता है। कपड़े थोड़े पहनने होते हैं। ज़्यादा पैसा है तो क्या दस दस बीस बीस शर्ट पहनेगा एक साथ? इसलिए गुजर बसर तो थोड़े में होता है। हानि और लाभ जीवन में लगे रहते हैं, इस पर विवेक होना चाहिए। हानि होने पर भी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लाभ होने पर भी आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। ये विवेक जिसको है उसको शांति मिलती है। आप ठौर करो, अपनी ठौर करो। जब कोई नौजवान पढ़ लिख करके कोई काम करने लगता है, नौकरी पा गया है, व्यापार में लग गया, खेती में लग गया, कला में लग गया, उपार्जन करने लगा, तब माना जाता है इसने अपना ठौर ठिकाना लगा लिया। क्योंकि रोटी धोती की ज़रूरत है, तो कहीं कमाने लगा और घर की सेवा करने लगा तो ये होता है कि इसने अपनी जगह बना ली। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी जगह बनाओ। अपनी जगह बनाना, आप ठौर करो, शांति प्राप्त करो। ठौर करना है शांति प्राप्त करना। खाते हैं लेकिन शांति नहीं है, पहनते हैं लेकिन शांति नहीं है, परिवार है लेकिन शांति नहीं है, पद प्रतिष्ठा है लेकिन शांति नहीं है, तो क्या जीवन का मतलब है? अधिकतम लोग अशांति में जीते हैं, क्योंकि शांति वाली बात ही वो नहीं समझते, वो करते नहीं। जो कुछ मिला है उसी का प्रमाद लेकर, अहंकार लेकर दुर्व्यवहार में लगे रहते, अशांति और बढ़ती है। इसलिए समझदारी से काम करने की जरूरत है। गुजर बसर का काम सबका होता है।
गुजर बसर करने के बाद क्या करना चाहिए। मैंने बीच में कहा था, कमाते इसलिए हैं जिससे खाने मिले, और खाते इसलिए हैं जिससे जिए, जीते किस लिए हैं इसका पता नहीं। रो रो के जी रहे हैं, कलह करके जी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके जी रहे हैं, चिंतित पीड़ित होकर के जी रहे हैं, अशांत होकर जी रहे हैं। क्या जीवन है? जीवन वह है जिसमें शांति हो, क्योंकि सुख जीव को प्रिय है और सुख शांति के बिना नहीं मिलता। टीवी देख लिए, थोड़ा सुख मिल गया, फिल्म में चले गए, सुख मिल गया, मिठाई खाए, थोड़ा सुख मिल गया, मित्र मिले, थोड़ा सुख मिल गया। ये सुख सुख नहीं, ये इंद्रियों की खुजलाहट है। सुख है जिसमें चित्त स्थिर हो। सद्गुरु ने रमैनी में ही कहा है, शुरुआते में यह बात आती है, होए बेहिस्त जो चित्त न डुलावे। बेहिस्त स्वर्ग, बेहिस्त अरबी भाषा का शब्द है, मुसलमान लोग बेहिस्त कहते हैं, हिंदू लोग स्वर्ग कहते हैं। तो साहब हिंदू मुसलमान दोनों को समझाते हैं, मुसलमान कोई होगा और कहा होगा कि महाराज बेहिस्त में जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम आना है बेहिस्त में, बेहिस्त निस्वर्ग, और वहाँ की साधना बताई जाती। साहब कहते चित्त न डुलावे, तो बेहिस्त पहुँच गया। बेहिस्त कहीं नहीं, स्वर्ग कहीं नहीं, बाहर कहीं स्वर्ग नहीं। पौराणिकों ने स्वर्ग की कल्पना स्थूल की है, सामान्य व्यक्तियों को उत्साहित करने के लिए कि धर्म में लगें, अधर्म को छोड़ें। तो उन्होंने सामान्य लोगों को देखा, वे सुंदर शरीर चाहते हैं, बलवान शरीर चाहते हैं, और बहुत दिन जीना चाहते हैं, और इंद्रियों के भोग चाहते हैं। तो स्वर्ग में यही सब की कल्पना कर ली गई, वो बिल्कुल झूठ है, कहीं स्वर्ग नहीं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ग है चित्त की शांति, ये सच्ची सच्चा स्वर्ग है। साहब कहते होए बेहिस्त जो चित्त न डुलावे, चित्त को चंचल न करे, तो स्वर्ग हो गया। मन शांत है तो स्वर्ग, स्वर्ग में जी रहे हैं। स्वर्ग स्वर्ग, स्व में लौट आना, स्व में लौट आना, अपने में लौट आना स्वर्ग है। आत्मसंतुष्ट हो जाना स्वर्ग है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना स्वर्ग है। जो अपने पास है बहुत है, हमारे पास साइकिल है मानो हेलीकॉप्टर है, किसी की मोटरसाइकिल पर भी अपनी नज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी झोपड़ी अपना भवन है, हमारी रोटी बहुत है, सब व्यंजन है। जो आत्मसंतुष्ट है वो सुखी होगा। ठौर करना, जगह बनाना, स्थिर होना, शांत होना, आप ठौर करो, अपनी जगह बनाओ। परमात्मा को पाने की बात चलती है, परमात्मा जब मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा। परमात्मा बाहर से मिलेगा, कौन सा सुख होगा? परमात्मा बाहर से मिलेगा और छूट जाएगा। मिलने वाली वस्तु छूटती है, प्रकृति का विधान है। कोई मिली हुई वस्तु स्थिर नहीं रहती है। अगर परमात्मा मिलता है तो छूटेगा जरूर, परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि वो अलग नहीं। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ये भ्रम है। आत्मा परमात्मा दो नहीं। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये शब्द चलते हैं, और इसके सब में मूल है आत्मा और विशेषण है। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा जिसने इंद्रियों पर विजय पाली, परमात्मा जो गुणातीत हो गया, हर शोक से ऊपर हो गया। तो ये आत्मा, प्रेत आत्मा, गया हुआ आत्मा, प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा। प्रेत कहते जो चला गया, कोई भूत प्रेत की योनि और खान नहीं है, ये तो भ्रम है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब आत्मा ही है। खराब स्वभाव का है तो दुष्ट आत्मा है,
शरीर छोड़ के चला गया तो प्रेत आत्मा है, अच्छे स्वभाव का है तो शुद्ध आत्मा है, इंद्रियजीत है तो महात्मा है, और हर शोक से पार हो गए एकदम तो परमात्मा है। ये आत्मा ही है, जैसे मनुष्य वही है, वही डिप्टी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, चपरासी है, सब विशेषण है, मूल रूप में मनुष्य है। इसी प्रकार मूल रूप से आत्मा है, अवस्था और गुण भेद से प्रेतात्मा, महात्मा, परमात्मा इत्यादि कहा करते हैं। तो परमात्मा कोई मिलने की चीज नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी ही नहीं, वो चीज जो छुटा हो वो मिले। परमात्मा नित्य प्राप्त है, सबके अंदर में बैठा है वो परमात्मा। आप लोगों ने कबीर साहब की ये वाणी सुनी होगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कुछ मृग ऐसे होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, सब मृग में नहीं होती, और कस्तूरी बहुत तीव्र सुगंधी वाली होती है। एक बार मैंने कस्तूरी को देखा तो सूखने की जरूरतें नहीं, ऐसे ही बहुत तीव्र सुगंधी आ रही थी। तो मृग को वो सुगंधी हरदम मिलती है, लेकिन वो सोचता है कहाँ से आ रही, तो घास फूसों में खोजता है, खोजता है कि नहीं खोजता है। महात्मा लोग एक उदाहरण देते, कस्तूरी तो सच है, और हो सकता हो उसको उसके दिमाग में भी होता हो कि कहाँ है, कहाँ सुगंधी आ रही। अगर वो जान जाए कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, वहीं से सुगंधी आती है, तो भ्रम कट जाए, सुगंधी पाने की चेष्टे खत्म हो जाए। सुगंधी तो हर समय मिलती है। इसी प्रकार परमात्मा की सुगंधी हम लोगों को सब समय मिलती है, तो हम उसको खोजते हैं कहाँ है। परमात्मा की सुगंधी क्या हो सकती है? अनंत सुख की इच्छा, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो, अनंत सुख, सुख सागर हो जाए, दुख नाम की वस्तु ना हो। तो आदमी कल्पना करता है बड़ा भवन हो, चांदी सोने से मकान बना हो, और फिर कल्पना कोई ठिकाना नहीं, क्या क्या सोचेगा, यही सब पागलपन है। सारा पागलपन जब अंत हो जाता है तब आदमी सुख का सागर होता है। जब सारी इच्छाएं मिट जाती हैं तब सुख का सागर होता है। जितना आकार हम चित्त में लेते हैं सारा आकार शांत हो गया, जिसको हम समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि, पारक समाधि, सहज समाधि, सारा संकल्प शांत हो गया, चित्त की सारी आकृत मिट गई, एकदम निस्तब्ध निःशब्द शांत, तब सुख का सागर हो गया। आदमी कल्पना करता है आकार की, ऐसा मकान हो, ऐसी सवारी हो, ऐसे बाल बच्चे हो, ऐसी प्रतिष्ठा हो, इस प्रकार मेरा सम्मान चारों तरफ से, फूल मालाएं चढ़ाएं लोग, जय जयकार करें, तो हम सुखी होंगे। ये सब पागलपन है। जिनका जय जयकार होता कब तक होता है? जय जयकार हुआ और ख़त्म हो गया। पद पर लोग जाते हैं, जय जयकार होता है, पद से हट जाते हैं, कोई पूछता नहीं। एक मंत्री हमसे कहते थे, लेकिन बहुत पहले कहते थे, आज से 50 वर्ष पूर्व, उस समय मंत्री कोई होता था तो पीछे भी अगर मंत्री न रहे तो कार और सबके पास नहीं रहती थी। एक तो ईमानदार ज़्यादा होते थे वो लोग, दो नंबर का पैसा कमाते नहीं थे, जमाना कुछ ऐसा था कि इतनी बहुलता भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, महाराज हम लोग जब मंत्री होते हैं तो हमारा नौकर भी कार पर बैठ करके सब्जी खरीदने जाता है, और जब मंत्री पद से उतरते हैं तो स्वयं हम पैदल चल करके सब्जी खरीदने जाते हैं। आजकल वैभव बढ़ गया है और दो नंबर का धंधा भी खूब बढ़ गया है, और नाजायज धन कमाने वाले भी बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर भी मंत्री पद से हटने पर वो ऐश्वर्य कहाँ रहता है। मंत्री पद पर पहुँचते हैं तो अरबों रुपए का वारा न्यारा उनकी कलमों से होता है, हस्ताक्षर कर दिए, स्वीकृत हो गई, अरबों रुपए का काम फिर हो रहा है, उनको कमीशन मिल रहा है,
पद से हटे वो सब खत्म हो गया। जितनी आकृति है माया की है ये सब चलायमान है। जैसे चक्का होता है, चक्का घूमता है, गाड़ी का चक्का घूमता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाता रहता है। माया ऐसी है, ये घूमती रहती है। इसमें स्थिर सुख की कल्पना करना भ्रम है। स्थिर सुख मन की शांति में है, इस चीज को समझो। और मन की शांति तब होगी जब झगड़ा लड़ाई बंद करो। पति पत्नी लड़ते हैं, कितने पति पत्नी रोज लड़ते हैं, और बूढ़े हो गए हैं तब भी लड़ते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को न समझें, विवाह हुआ, पत्नी घर में आई, दो चार महीने, साल दो साल न समझे, न समझें, बुढ़ा गए, 50 वर्ष हो गए विवाह हुए, अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये असावधानी, एक दूसरे को समझो। और ऐसे समझौते से चलो जिससे लड़ाई न हो। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, लड़ना बंद करो। लड़ने से अपनी शक्ति नष्ट होती है और मन खराब होता है और सारा सुख नष्ट हो जाता है। कलह नरक है। कलह करना बंद करो, लोभ करना बंद करो, जो मिलता है बहुत है। काम वासना पर संयम करो। काम वासना विकार है, मलिनता है। अगर प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए ही नर नारी का संयोग होना चाहिए, और की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें कौन रोकता है? तो भी इसको जितना घटाओगे उतना सुखी रहोगे। काम वासना में आदमी जितना लंपट रहेगा उतना दुखी रहेगा, तृष्णा कभी शांत ना होगी। इसलिए काम वासना पर भी संयम करो। लोभ ऐसा मत करो दूसरे के हक को मारने के लिए चेष्टा हो जाए। शत्रु कहाँ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो शत्रु हैं। मोह जिससे हम करते हैं वो स्थिर नहीं है। जिस सुंदर रूप को देख करके हम मोह जाते हैं वो सुंदरता कब तक रहेगी? सारी सुंदरता क्षणिक है, थोड़े दिन की। जब आदमी युवक होता है उसके शरीर में सुंदरता ज़्यादा खिल जाती है और 4-6 दिन में ही झड़ जाती है। 10 वर्ष में तो बिल्कुल, 18 से 28 के बीच में सब, 28 से ऊपर हुए 30 हुए तब खीस हुए। सुंदरता कितने दिन की है? और सुंदरता भी भ्रम है। किसी भी सुंदरता के नीचे क्या है? चाम है, टट्टी पेशाब है, रक्त है, नस है, हड्डी है, तो भ्रम है। ये सब विचार करो, ये भ्रम को छोड़ो। भ्रम में पड़ करके आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारा अकुकर्म करता है। थोड़ी बातों में नस आ करके हिंसा करते हैं लोग, हत्या करते हैं, और हत्या करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, या कोई भी दुष्कर्म करके। दुष्कर्म क्या है? अपने मन इंद्रियों को सताना और दूसरों को सताना, यही दुष्कर्म है। जो मन इंद्रियों का सुख लूटते हैं हम, वो सताना है। खाने बैठे तो जीभ चटोरी के चक्कर में ज़्यादा खा गए, हमने अपनी इंद्रियों को सताया। काम भोग में और चीज़ों में अपनी इंद्रियों को सताते हैं अविवेक में पढ़ करके, और फिर दूसरों को सताते हैं। जितना हमारा मनोविकार बढ़ेगा हम दूसरों को सताएंगे, और ये सब का परिणाम ऐसा होता है कहीं जाता नहीं। राजा भले न जान पाए लेकिन कर्म विधान के जाल से कोई बच नहीं सकता। एक संत का वचन है कि ताऊ का जाल सर्वत्र फैला है, उसमें छेद बड़े बड़े हैं लेकिन उससे कोई बच के निकल नहीं सकता। उनकी बातें पहेली में है, बहुत मार्मिक है।
ताओ यानी विश्व नियम, विश्व नियम का जाल विशाल है, सर्वत्र फैला है और उसमें छेद बड़े बड़े हैं। छेद बड़े बड़े होने का अर्थ है कि आदमी को स्वतंत्रता है, वो चाहे चोरी करे कोई नहीं रोक पाएगा, डाका डाले, हत्या करे, व्यभिचार करे, लूटे या दान करे, सेवा करे, पूरी स्वतंत्रता है। यही बड़ा छेद होने का भाव है। उस जाल में बड़े बड़े छेद हैं लेकिन उससे छन के कोई बच नहीं सकता। मतलब है आप स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करें, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन फल भोग से नहीं बच सकते हैं। चोरी करें कोई न जाने, मन तो जानता है, अंदर अंदर कूट कुटुम्बस होती रहेगी। सुभान तेरी बतिया जान गई राम, एक कहानी है शायद आप लोग सुने हो। एक सुभान नाम के मियाँ थे, गांव में रहते थे और धनी थे और बहुत सरल थे, सज्जन थे। गांव वाले प्राय खेत में जाते हैं टट्टी करने, अब तो सड़क पर बहुत रिवाज हो गया है, लाइन से सड़क पर बैठ जाएंगे बाल बच्चे सहित, वहीं टट्टी करके आ जाएंगे। पूरा नरक कर रहे हैं गांव गांव, सब लोग सावधान हो, सड़क पर रास्ते के किनारे कोई टट्टी न करें। वैसे टट्टी घर आप लोगों को बनाना चाहिए, और जाना है तो खेत में जाएं। तो सुभान मियाँ खेत में टट्टी करने गए, बेर पेड़ था, पके पके बेर गिरे थे, तो टट्टी करते गए और बेर खाते गए। रात में गांव में वेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए, वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो सुभान अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ईश्वर, एक भजन है। हे प्रभु आपकी बात में समझ गई, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ बेचारे समझे कि ये मेरी हरकत जान गई है, अब आज तो मैंने एक ही गलती की है कि टट्टी करते करते बेर खाए, और कोई गलती नहीं की है। तो कहीं से इसने देख लिया है और सभा में कह देगी तो बड़ी हंसी होगी। तो उन्होंने एक शाल ओढ़ रखा था, उतार करके वेश्या को दे दिया। वेश्या बहुत खुश हुई, गीत गाते ही इतना इनाम उसे कभी नहीं मिला था। तो अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, पहले गई कही थी जान गई राम, अब कहती कह दूंगी राम। तो सुभान को बड़ा गुस्सा आया, 500 रुपये शाल दे दिए इसको, अब आगे कहती कह दूंगी राम। लेकिन उन्होंने अपने मन को महसूस करके बहुत बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उसको निकाल के दे दिया। वेश्या बहुत खुश हो गई, उछल पड़ी। अब अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, तब सुभान मियाँ को नहीं रह गया, गुस्सा में आ गए, जल्ला के खड़े हो गए, कि वेश्या की जात ना अपनी इज्जत का डर ना दूसरे की इज्जत का डर, क्या कह दोगे? सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगे और कुछ कहोगे? तो वेश्या ठगमारी खड़ी रह गई, कहे हुजूर मैं नहीं जानती यहाँ कोई सुभान मियाँ, हम तो भगवान का गुणान बात गाती। तो वेश्या सुभान मियाँ की हरकत नहीं जानते थे, लेकिन सुभान मियाँ की अंतरात्मा तो जानते थे। हम चोरी करें कोई मनुष्य न देखे न जाने ये संभव है, लेकिन ईश्वर न जाने और न देखे ये संभव नहीं है। ईश्वर जानेगा और देखेगा। आप कहेंगे कहाँ ईश्वर है? आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं, आपका अंतरात्मा ईश्वर है। चोरी करेंगे, अंतरात्मा आपको जानेगा कि मैंने चोरी की, और मन दगा करेगा। आपकी आंखें देखेंगी कि चोरी कर रहा हूँ। आपकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, आपका आत्मा परमात्मा है। अपने आत्मा से आज तक कोई कुछ छिपा पाया है? जब झूठी साक्षी लोग देते हैं तो ऊपर से तो कहते हैं हुजूर ये सच है, लेकिन भीतर से अंतरात्मा कहता है कि ये गलत है, झूठ है। तो अंतरात्मा कभी क्षमा नहीं करता है।
वही बात है कि परमात्मा क्षमा नहीं करता। विश्व नियम के जाल सर्वत्र फैले हैं जिसमें बड़े बड़े छेद हैं, लेकिन उससे कोई बच नहीं सकता, सब फंस जाएंगे। अच्छा करो बुरा करो उसका परिणाम अपने ऊपर आना ही है, कहीं जा नहीं सकता है, सरकार जाने या न जाने। कर्म फल भोग, जो कुछ हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है, सबके अंदर में रिकॉर्डिंग चलती है। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें तो फर्क पड़ सकता है। कंप्यूटर में कई बार लोग कहते हैं कि जो कुछ किया था सब उड़ गया, टेप रिकॉर्डर में भी गड़बड़ी आ जाती है तो भी खराब हो जाता है, लेकिन मन के अंदर का जो टेप रिकॉर्डर है उसकी फ्लॉपी खराब नहीं होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की फ्लॉपी खराब होती है, लेकिन मन के अंदर के जो कंप्यूटर है वो फ्लॉपी खराब नहीं होती है, उसका परिणाम बिल्कुल सामने आता है। इसलिए बहुत संवेदनशील ये जीवन को समझो, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 10, 20, 50, 25, 50 वर्ष के अंदर में जो कुछ हम कर लेंगे वही फल आगे चलेगा, और यहाँ की स्थिति तो यही रह जाएगी। ये घर का पता ना होगा, परिवार का पता ना होगा, हम लोगों के मठों का पता ना होगा, प्रचार प्रसार का पता ना होगा। अभी मेरा शरीर यहीं छूट जाए, मेरी पुस्तकों से हजारों वर्ष लोग लाभ लेते रहें, लाखों लोग, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं होगा। जो मेरी कर्म कमाई है वही मुझे काम देगी, ऐसा जीवन है। इसलिए अपने जीवन के लिए सब सावधान हो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। आप जीत लखो, आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद अपना घर कहाँ होगा। अभी तो बना लिए यहाँ, लेकिन कब शरीर छूटे कुछ ठिकाना है, उसके बाद घर कहाँ होगा। अपने घर का पता लगाओ। एक युवक कहता था कि जो मुझे परमात्मा का दर्शन करा दे मैं उसको गुरु मानूं। तो लोग कहें भाई परमात्मा को तो मैं ही नहीं देखा, आपको कैसे करा दूं। और खोजता रहे, एक महात्मा मिल गए, कहे हाँ हम तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा देंगे। कहे कराओ, कैसे थोड़े होता है, अपना नाम बताओ पता बताओ, आपके नाम पता पर चिट्ठी देंगे, परमात्मा की जब चिट्ठी लौटेगी तब ले चलेंगे। तो नाम बताया नरेश, और पता यही गांव बता दिया, जिला बता दिया। नरेश कब नाम पड़ा, कहे जन्म से तो नाम नहीं होता है, पीछे से नाम पड़ा। कहे तो नाम नकली है, इस गांव में कब से रहते हो, कहे जन्म से। कहे जन्म के पहले कहाँ रहते थे, कहे पता नहीं। कहे तो पता भी गलत है। अस्थाई नाम और अस्थाई पता जब रहेगा तब परमात्मा यहाँ से पत्र का उत्तर आता है। तो कहे हमारा अस्थाई नाम क्या है, पता क्या है, कहे तुम जानो। तो महात्मा ने चक्कर में उसको डाल दिया। अब वो जहाँ पहुँचे जहाँ कहे कि मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, मेरा अस्थाई नाम पता क्या है, महात्मा से पूछे। इसी बीच में उसको ये पता चल गया कि सब नामों का नामकरण करने वाला मैं हूँ, और मेरा पता तो मेरे साथ है। मैं हूँ कि नहीं, मैं तो हूँ तो मेरा पता तो स्वाभाविक है, मेरा पता अपना आत्मा ही है। मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, सब समय हूँ, मेरा पता मेरा आत्मा है। सारे नामों का नामकरण करने वाला मैं हूँ, सब नाम रूप झूठे हैं, ज्ञान हो गया। फिर परमात्मा खोजने का भ्रम कट गया, और महात्मा ने इसीलिए उसको उलट करके समझाया था कि तू परमात्मा खोज रहा है, अपने को नहीं खोज रहा है, अपने खोज अपने पता लगा। तो आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो, मुए कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद घर कहाँ होगा। कर्म फल भोगने के लिए घर मिलते रहते हैं और छूटते रहते हैं, कहीं अस्थाई घर नहीं। कुछ दिन यहाँ रहे शरीर छूट गया, फिर कहीं फिर कहीं, नाना योनियों में जीव भटकता है। अस्थाई घर तो आत्मा है, जो अपने आत्मा में विश्राम पा गया अपने अस्थाई भवन में आ गए। ऐसा काम करो कि स्थिर रूप में आत्मा में विश्राम मिल जाए, ये थोड़ा समझना पड़ेगा।
और आचरण सुधारना पड़ेगा। पहले तो मोटे आचरणों को ठीक करने की जरूरत है। मांस अंडा मछली से सदैव बचना चाहिए सबको। ये हिंसा की चीज है, घृणित है। नशा की चीज़ों से बचना चाहिए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब कबाब। आहार विहार पवित्र रखो। आहार में भी बहुत मिर्च मसाले हितकर नहीं, ज़्यादा नमक हितकर नहीं, सामान्य नमक खाना चाहिए। मिर्च मसाले कम खाना चाहिए, मिर्च मसाले न खाए तो और अच्छा है। सादा भोजन, सादा रहन सहन, सादा बर्ताव, सरल जीवन, तब सात्विकता चित्त में आएगी और कल्याण की बात तब समझ में आएगी। खेत को गोड़ कर जोत कर खाद पानी डालकर उर्वरा शक्ति आती है, तब बीज डालने से फसल होती है। ऐसे कोई बीज बो दे कुछ फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार जीवन की रहनी पवित्र करने पर तब ज्ञान का बीज फल देगा। आचार विचार की पवित्रता ही नहीं, खान पान शुद्ध नहीं है, बात व्यवहार शुद्ध नहीं है। कितने लोग हर जगह चिढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अशांत रहते हैं। स्वयं अशांत रहेंगे, दूसरे को शांत करेंगे। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, कटुवचन सहलो। सहने वाला शांति पाता है। अपना कर्तव्य पालन करो, अधिकार की कामना न रखो। जीवन का सुख बहुत सरल है, मोक्ष सरल है। मोक्ष सबसे कठिन है, लेकिन वो बहुत सरल है। कठिन इसलिए है कि हमारी आदत खराब है। एक बीड़ी पीने वाले से कहो कि बीड़ी पीना कठिन है, बीड़ी न पीना बहुत सरल है, तो नहीं समझ पाएगा। वो तो समझेगा कि बीड़ी पी पी करके रहना सरल है, बिना बीड़ी पिए कैसे रहेंगे। लेकिन जो बीड़ी नहीं पीते हैं, बिना बीड़ी पिए रहना कितना सरल है। वो भी बीड़ी छोड़ देगा तो उसको भी सरल लगेगा। त्याग में मोक्ष है, ग्रहण में भोग है, और ग्रहण में सब परतंत्र है, और त्याग में सब स्वतंत्र है। हमें ये मिल जाए वो मिल जाए आदमी सोचता रहता है जीवन भर, और सब मिलता नहीं। इसलिए भोग कठिन ही नहीं, असंभव है, किंतु त्याग में हमें चाहिए ही नहीं, बहुत सरल है। छोड़ने में क्या कठिनता, पकड़ने में सरल कठिनता है। कोई हमारे साथ चले इसमें कठिनता, वो न चले तो हम क्या करेंगे। हमें चाहिए ही नहीं, क्या कठिनता है। त्याग से मोक्ष मिलता है, ग्रहण से भोग मिलता है, और ग्रहण करने में सब परतंत्र है, और त्याग करने में सब स्वतंत्र है, तो मोक्ष कठिन कहाँ। आदत हमारी खराब है इसलिए कठिन लगता है। तंबाकू पीने वाला खाने वाला, उसकी आदत इतनी खराब है कि बिना तंबाकू के रहना उसको लगता असंभव है। दुर्बलता क्या है, आसक्ति। आसक्ति को छोड़ करके कोई दुर्बलता नहीं। आसक्ति मिट गई, आदमी सबल हो गया। आसक्ति को मिटाओ, दुर्गुणों को मिटाओ, जीवन को सरल बनाओ। जीवन का सुख बहुत सरल है। मेहनत करो, जो मेहनत में मिले उसमें प्रसन्न रहो। दूसरे की तुलना में न पड़ो, दूसरे के मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे के बाल बच्चे, दूसरे की धन दौलत, दूसरे की पद प्रतिष्ठा देख करके तुलना करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। अपना जो है बहुत है। भूख लगने पर थोड़ा भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए थोड़ा कपड़ा, सोने की जगह, बस हो गया। जीवन बहुत सरल है और जीवन का सुख बहुत सरल है। कोई लड़ने आया, सिर झुका दो। कोई आपको दोष देता है, आप स्वीकार लो हमारा दोष है, फिर तो चुप हो जाएगा। आपसे गलती भी हो गई है और कोई आकर के बड़बड़ाने लगे,
अब आप सिर झुका दो, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बड़ा वीरता का लक्षण है। सिर झुकाना वही कर सकता है जो बहुत वीर हो। कायर आदमी सिर नहीं झुकाएगा, कायर आदमी लड़ पड़ेगा। कायर आदमी लाठी लेता है और वीर आदमी सह लेता है। सहनशील वीर होता है, वीरता के बिना कोई सहनशील नहीं हो सकता है। कायर आदमी तमक जाता है, बड़बड़ाने लगता है, क्रुद्ध हो जाता है। दुर्बलता क्रोध का लक्षण तो सामान्य मनुष्य मानता है कि जो जितना दुर्बल मन का होता है उतना क्रोधी होता है, झंझनाता रहता है, और जितना जो सबल होता है उसको क्रोध नहीं आता है। ये सामान्य लोग भी कहते हैं। लड़ना दुर्बलता का लक्षण है, सह लेना, शांत रहना सबलता का लक्षण है। जीवन सुख से रहेगा जब सह लोगे। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मुकदमा लड़ते हो, जीवन भर मुकदमा लड़ते लड़ते धन नष्ट करते हैं, व्यवहार खराब करते हैं, कलह बढ़ता है और मन का नरक बना रहता है। यहाँ तक मुकदमा चलता है कि दोनों तरफ से पिस्तौल लेके चलते हैं जब कचहरी में जाते हैं, डर रहता है कि रास्ते मार न दे, और वो बात का बतंगड़ को लेके बढ़ता है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अहंकार बढ़ जाता है और दुख हो जाता है। सिर झुका लो, सह लो, क्षमा कर दो, विनम्र हो जाओ, जो प्राप्त है संतुष्ट रहो। देखो सुख है, सुख है चारों तरफ। ये सब जीवन की सीख है। सत्संग से ये बुद्धि प्राप्त होती है और ये काम करना चाहिए। सुन करके छोड़ ना दे, सुन करके प्रयोग करना शुरू करें। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। साहब कहते हैं मनुष्य, अगर आज तो नहीं चेता है तो अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। किसका कौन साथी है? चाहे जितना हम प्रेम करें, आपस में मोह करें, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, ये व्यवहार है। व्यवहार की मिठाई है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ना आप हमारे हैं, ना हम आपके हैं। मित्र मित्र एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वे जब गए तो मुड़ के देख न सके। ये सारे संसार की कथा है। इसलिए जगने की जरूरत है। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। है प्राणी, अगर आज नहीं चेता है तो अंत में कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। कहें कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं संतो सुनो, काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। घेरा कहते हैं हमला को भी और घेरा कहते हैं घेराबंदी को, दोनों में अर्थ सही है। काल की पकड़ में समस्त निर्मित वस्तुएं हैं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति में से सारी चीज़ें बनते हैं और मिट करके सब प्रकृति में मिलती हैं। हम लोगों के शरीर, मकान, पेड़ पौधे, घास फूस, फसल, जो भी निर्मित चीज़ें हैं, बनी हुई चीज़ें हैं, सब प्रकृति में से आई हैं और सब गल करके उसी में लीन हो जाती हैं। यही प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। समुद्र में आप देखिए लहरें उठती हैं और उसी में गिरती हैं। ऐसे प्रकृति में से ये निर्मित वस्तुओं की लहरें उठती हैं और उसी में गिरती हैं। ऐसी अवस्था में हमारी कौन सी वस्तु है? सब कुछ विवश है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ मिटने वाला है। ऐसी जगह में रह करके निर्मोही रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। मोह करके तकलीफ की सिवा और कुछ नहीं। कहा कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। साहब कहते वो उबरेगा जिसके मन में मोह नहीं समाता है। सदैव साक्षी भाव, विवेक अगर रखे तो मोह नहीं समाएगा, विवेक रखे तो क्रुद्ध नहीं होगा, विवेक रखे तो खाने पीने में संयम रखेगा। हर जगह विवेक की जरूरत है।
जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल ज्ञान, जाहि और जाए वाकु वाहि और सुख है। विवेक ज्ञान नहीं रखेगा हर जगह दुख रहेगा। तम्बाकू आदमी खाता है, विवेक करे तो तम्बाकू खा पाएगा? आप तम्बाकू हाथ में लीजिए और फिर अपने से पूछिए कि तम्बाकू में क्या फायदा है, तो उत्तर मिलेगा फायदा नहीं नुकसान है। तो नुकसान का काम कैसे करेंगे? किसी को कह दो कि तुम बेवकूफ हो तो आपको मार सकता है, लेकिन कोई आदमी हो किसी से कहे कि भैया एक पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, तो बेवकूफ है कि नहीं? पैसे दे करके अपना सिर फोड़वाना चाहता है, तम्बाकू खाकर, शराब पीकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, क्या यही नहीं लोग करते हैं? पैसा देते अपना सर फोड़वाते हैं, और फिर भी तुर्रा यह है कि हम बुद्धिमान हैं। पैसा खर्च करते हैं, अपना सर फोड़वाते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। एक बार की घटना, यही टाइम रहा होगा, थोड़ा और बीता होगा। सरजू नदी आप सुने ही होंगे। सरजू नदी जहाँ पतली सी है बहराइच जिले में, मैं नदी पर हाथ धो रहा था तो छोटी सी नौका में दो नौजवान आए और कूदे, वहीं पास में जगह थी, वहीं कूदना था उनको। और इतने में एक ने कहा, यार सिगरेट निकालो पिए तब चले। तो मैंने कहा बुद्धिमान है कि उसके विपरीत, ये नहीं कहा निर्बुद्धि, इतने कहा आप बुद्धिमान है कि उसके विपरीत, और घोर करके मुझे देखने लगे। कहे महाराज हम बुद्धिमान नहीं, हमके देखो पढ़े लिखे हो, छिपाओ मत। दूसरे का नहीं महाराज हम बुद्धिमान हैं। तो मैंने यही कहा कि आप किसी से कहें कि पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो हम तुम्हें 50 रुपये देंगे, तो आप बुद्धिमान हैं? कहे तब तो बुद्धिमान नहीं है। तो हमके सिगरेट पी करके क्या फ़ायदा होता है? तो चुप। दोनों मास्टर थे, पढ़ा के आ रहे थे, घर जा रहे थे, दोनों ठग मारे खड़े हो गए, सिगरेट तोड़ करके नदी में फेंक दिए, कहे अब कभी नहीं पिएंगे। मैंने कहा धन्यवाद। आदमी अपने जीवन को कहाँ समझ पाता है? भूगोल पढ़ लेता है, विज्ञान पढ़ लेता है, अर्थशास्त्र पढ़ लेता है, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान सब कुछ पढ़ जान लेता है, अपने को नहीं जानता है। खाने पीने का कल नहीं, उठने बैठने का कल नहीं, बर्ताव का कल नहीं, जो चार आदमी के बीच में हम रह रहे हैं कैसे सुख से रह सकते हैं, ये रहने का कल नहीं। कला कला कला, जिस घर में देखो कला, शाम को इकट्ठे हुए तो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते हैं। पिता भोजन करता है तो पुत्र नहीं बैठेगा, भाई भोजन करता है तो भाई नहीं बैठेगा, इतना कला। जीवन ठीक से नहीं जी रहे हैं, और बुद्धिमान बहुत हैं आजकल तो, और बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई है। तो जीवन को समझें, ये अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, काल का घेरा जबरदस्त है, समय आने पर कोई रुक नहीं सकता है, न राजा न भिखार न सामान्य न महात्मा। गुरु लोगों को भी अपनी गद्दी छोड़ छोड़ करके जाना है, और गृहस्थ लोगों को भी, प्रकृति का नियम सब पर बराबर है, इसलिए जगने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि सत्संग से आपका क्या फायदा है, कोई आर्थिक लाभ तो नहीं? वैसे आर्थिक लाभ भी होता है, संतों की बात मान ले, नशा का त्याग कर दें तो आर्थिक लाभ हुआ, लड़ाई झगड़ा न करें, मुकदमा न करें तो आर्थिक लाभ हुआ, संयम से रहें तो अर्थव्यवस्था और ठीक रहेगी, तो आर्थिक लाभ भी होगा, और मुख्य लाभ है आध्यात्मिक। ये केवल कमाने खाने, बाल बच्चा पैदा करने, उनसे लड़ने झगड़ने और कलह करके मर जाने के लिए नहीं है। बाल बच्चे होते तो संसारी गति है, और जब संसार में हैं तो कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बहुतों के द्वारा हमारे जीवन का गुजर होता है, इसलिए हमें भी दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। ये सब लेन देन है, अदलू अदलू का काम है, असली काम है आत्मा को शोधना,
अपने को पहचानो, अपने को शोधो। कलाकार अनगढ़ पत्थर को लेकर के छेनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्ति और वस्तुएं बनाता है, और हम लोग इस सुंदर मूर्ति को पाए उसको बिगाड़ते जाते हैं। इस सुंदर मूर्ति को और निखार लें, अपने जीवन को निर्मल करें, इसके लिए जीवन है और इसी के लिए सत्संग है। साहब कहते बंदे कर ले आपने बेरा, आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहा कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। इन बातों पर मनन करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।